अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके सफल यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर आपको सुनाने वाला हूं, कतर के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग की तरफ से आ रही है। तो कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तरफ से ये कहा गया कि कतर में 25 अप्रैल के बाद वहां पे मौसम में काफी ज्यादा तब्दीलियां आने वाली है, यानी हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है और बहुत सारे जगहों पे तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो जो भी भाई लोग आप लोग कतर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, थोड़ा रात में या ड्राइविंग करते हो थोड़ा सावधानी से चलिएगा, क्योंकि बारिश होने की भी संभावना बताई गई है और तेज हवाएं चलने की भी संभावना बताई गई है। यदि इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हो गल्फ टाइम्स के ऑफिशियल वेबसाइट में पढ़ सकते हो, पेनिनसुला कतर में जाके इस खबरों को पढ़ सकते हो। अगली खबर दोस्तों वाले साथियों, वैसे ये कतर से नहीं है पर बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग अभी सऊदी अरेबिया जाना चाहते हो। तो सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीजों को प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि लगेज वगैरह को जो ले जाते हो और उसमें दोस्तों कुछ बदलाव किया गया है। तो दोस्तों आपको जो भी लगेज ले जाते हो तो बोरा टाइप का जो होता है बांध के आप ले जाते थे, इस तरह से आप सऊदी अरेबिया में लाना बिल्कुल भी मना है। दूसरी चीज, कोई भी बैग को इरेगुलर सेप नहीं होना चाहिए, यानी दोस्तों इस तरह से जो बैग होता है उस तरह का बैग नहीं होना चाहिए, कोई बढ़िया सेप होना चाहिए, उस तरह के बैग आप ले आ सकते हो। तीसरी चीज है, बैग में कोई भी रस्सी वगैरह आपको नहीं लपेटना है, रस्सी भी लपेटने में दोस्तों वहां पर पाबंदियां लगाई गई है। दूसरा दोस्तों ये बताया गया है कि बैगेज विद लॉन्ग स्ट्रिप, यानी कोई भी लंबी रस्सी भी आपको बांध में बैग में आपको नहीं ले जाना। तो ये सभी चीजों पर दोस्तों वहां पर सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है। अगली खबर दोस्तों जाने साथियों, कतर के आमिरी कप 2023 को लेकर आ रही। तो वहीं जैसा कि आप लोगों को पता होगा कतर में भी आमिरी कप 2023 चल रहा है, इसकी फाइनल मैच जो है 12 मई 2023 में हमद बिन स्टेडियम में वहां पे होने वाला है। तो दोस्तों वहां पे चार टीमों के बीच में सेमीफाइनल मैच चल रहा था, जिनमें से अल सदात और अल सहनिया के बीच में वहां पे सेमीफाइनल मैच चल रहा था, जिसमें अल सदात ने अल सहनिया को डिफीट कर दिया है 5-1 से। तो अल सदात दोस्तों जो है वो फाइनल मैच में पहुंच चुका है। जो भी आप लोग भाई लोग कतर में अमेरिका फुटबॉल वगैरह देखने के शौकीन हो तो 12 मई 2023 को हमद बिन स्टेडियम मैच होने वाला है, जाकर आप देख सकते हो। अगली खबर दोस्तों जो है साथियों, वो भी कतर से नहीं है पर बहुत ही बड़ी खबर है, खबर दोस्तों आ रही फ्लाइट दुबई से लेकर। तो भाइयों आपने सोशल मीडिया पे आजकल में सुना ही होगा कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से फ्लाइट दुबई जो था वहां पे आग लगी थी, यानी चिड़ियों को टक्कर के वजह से फ्लाइट में आग लगने से काफी ज्यादा फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई थी। पर दोस्तों अच्छी खबर यह है, किसी को जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, फ्लाइट को सही सलामत दोस्तों इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। ये फ्लाइट जो है वो दुबई से नेपाल के लिए जा रही थी, जिसके बाद ये घटना घटी। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो भी कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जाहिर अल्लाह हाफिज़।